आज हम बनाएंगे मुंबई स्टाइल रगड़ा पेटिस चाट की रेसिपी, जो खाने में काफ़ी तीखी, चटपटी और चटाकेदार लगती है। क्या कभी आपने ये रेसिपी ट्राई करी है? तो आज ये रेसिपी आप पूरी देखना, आपको एक एक स्टेप मैं यहाँ पर बताऊँगी और बिल्कुल अच्छी रगड़ा पेटिस चाट बन करके तैयार होगी। साथ ही तीन स्पेशल चटनी, जिसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। इससे पहले, हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकू, रिंकू किचन में आप सबका स्वागत है। तो अब रगड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट मटर ले लिया है, जिसे बहुत लोग बटाना भी कहते हैं। इसे मैंने रात भर भिगो करके रख दिया था। अब एक कुकर ले लेंगे और कुकर में इस सब मटर को डाल देंगे। मटर को अच्छे से धो करके साफ़ कर ले और उसके बाद इसको कुकर में ऐड करें। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमेशा मटर में कुछ ज़्यादा ही डालें, कुछ मटर जल्दी सीज जाते हैं और कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं। इसके बाद हम इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून हींग भी ऐड कर देंगे, इससे मटर में स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसमें 4 सीटी लगा लेंगे। इधर हम 8 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लेंगे और इसे मैशर से हम इसी तरह से मैश कर लेंगे। आलू को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, इसे थोड़ा कम ही कुक करना है, ताकि हम जब इसे मैश करें तो इसे लसलसापन आ रहे। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने हल्दी, मिर्च, धनिया, भुना हुआ जीरे का पाउडर, चाट मसाला, साथ ही नमक इसमें ऐड करके हम इसे अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मसाले को अच्छे से आलू के साथ मैश कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मसाला हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें छोटी छोटी गोलियां लेकर के अब हम इसे टिक्की का शेप दे देंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से टिक्की का शेप बनाया है हथेली के सहारे। एक एक करके हम सभी आलुओं का टिक्की बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारी पैटी बन करके तैयार हो चुकी हैं। 8 आलुओं से मैंने पूरे 12 पैटी बना करके रेडी कर लिए हैं। अब हम एक लोहे का तवा लेंगे और अब उसमें थोड़ा सा तेल स्प्रिंकल करके इसी तरह से चारों तरफ फैला देंगे और तवा को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसे पैटी को हम बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस हम तवे पे इसी तरह से शैलो फ्राई करेंगे। इससे हमारी पैटी में काफ़ी अच्छा एक क्रिस्पीपन आता है और पैटी बिखरते भी नहीं हैं। तो मेरी यही राय है फ्रेंड्स कि आप भी जब इसे बनाएं तो इसे डीप फ्राई ना करके इसे शैलो फ्राई ही करें। एक तरफ से जब थोड़ा सा सीख जाए, तब हम इसे हल्के हल्के इसी तरह से कलछी से उलटते पलटते हम चारों तरफ से अपनी सारी पैटी को अच्छे से सेक लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, पेटी भी हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। दोनों तरफ से काफ़ी अच्छे से सिक चुके हैं। इसे हम दूसरी तरफ रख करके अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कुकर को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रगड़ा भी कितना बढ़िया से कुक हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं हुआ है और बहुत कच्चे भी नहीं हैं। बस इसी तरीके की कुछ हमें कंसिस्टेंसी चाहिए रगड़ा पेटिस चाट के लिए। तो चलिए, रगड़ा तो हमारे पक चुके हैं, पेटिस भी हमारी बन चुकी। अब हम चलिए स्पेशल 2 चटनी की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग जार में 1 मुट्ठी धनिया के पत्ते ले लिया है, 1/2 इंच, और 6 से 7 अदरक लहसुन ले लिया है। साथ ही यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा नींबू और साथ ही नमक स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा इसमें हम पानी पूरी का मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास पुदीने का पत्ता हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। और फिर इसे हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो हमारी हरी चटनी तो बन गई। चलिए अब हम रेड चटनी के लिए यहाँ पर एक मिक्सर जार में 1/2 कटोरी लहसुन ले लेंगे, थोड़ा सा मिर्च, भुने जीरे का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, नींबू और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका भी हम एक फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, दोनों चटनी भी हमारी बन चुकी है। अब चलिए हम
रगड़ा पेटिस चाट की प्लेटिंग शुरू करते हैं। अगर मटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो गई होगी तो उसे आप थोड़ा सा थीन कर लीजिएगा। और अब इस तरह से मैंने प्लेट में कुछ रगड़ा ऐड करा है, साथ ही अब यहाँ पर जाएगा पेटिस। पेटिस आप दो चार जैसा आपको प्लेटिंग करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चार पैटी की प्लेटिंग करी है, तो कुछ इस तरीके से आप प्लेटिंग कीजिए। और इसके ऊपर थोड़ा सा रगड़ा और इसमें ऐड करिए। अब थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा वाइट सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे ताकि सारी चीज़ अच्छे से बैलेंस हो जाए। अब हम इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी इसमें ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चटनी। ये खाने में काफ़ी तीखी, चटपटी और चटाकेदार लगती है फ्रेंड्स। और ये चटनी बनाने में अगर आपके पास पुदीना ना हो तो आप पानीपुरी का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है और टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। साथ में यहाँ पर हम डालेंगे लहसुन की तीखी चटनी। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, लाल मिर्च अगर पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च। मुझे तो तीखी चटपटी चाट ही काफ़ी अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा ही डाला है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, थोड़ा सा धनिया का पत्ता और साथ में थोड़ा सा सेव भुजिया। ये पतले वाले सेव भुजिया ही लीजिएगा, इससे काफ़ी अच्छा ये लगता है। तो इसी तरीके से हम चाट बना करके रेडी कर सकते हैं घर पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया रगड़ा पैटिस चाट बन करके तैयार हो चुकी है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे तो ये चाट देख करके रहा नहीं जा रहा है, आप भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको मेरे रेसिपीज अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए एक और प्लेटिंग कर कर मैं दिखाती हूँ। स्ट्रीट्स वाले सर्व करते हैं तो इस तरीके के प्लेट में खाना और भी अच्छा लगता है और बिल्कुल स्ट्रीट फूड वाला ही यहाँ पर फील आता है। तो इसी तरीके से हम एक और प्लेटिंग कर लेते हैं। वाओ कितनी बढ़िया और टेम्पटिंग लग रही है, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है फ्रेंड्स। मैं तो चली इसे एंजॉय करने। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ अच्छे लगे तो आप मेरे रेसिपीज़ को शेयर जरूर करना। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।